कस्टमर जो मतलब रिसर्च, 5 लाख लोगों को आपने नौकरियां दे दी हैं घर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, उसने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, उसने 10 लाख रुपए कमाए। रीसेलर्स हैं कराची में, कुछ हैं, एक खातून है ठीक है, जो कि महाना उनसे 4 से 5 लाख रुपए कमा रही हैं। तो आप इसके बजाय घर पर बैठ के मोबाइल फोन के थ्रू अपने बॉस खुद बने, बॉस खुद बने, जो कि यानी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कारोबार करने का मौका फ्राहम करता है। करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स के आप वर्चुअली मालिक हैं। आपने क्या करना है, ये आपने इससे कारोबार करना, आपने ये प्रोडक्ट्स जो है आपने बेचने, आगे ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलेंगे जो जरा ऐप पर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहन भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेस के साथ आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ जो भी टॉपिक, जो भी एपिसोड आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो भी बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें आपके लिए फ़ायदा छुपा हो, कोई इस तरह का बिज़नेस हो कि जिसे आप आराम से घर बैठे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो और आपको एक माकूल इनकम जो है 50, 60, 70, 80 हज़ार, यहाँ तक के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। प्लेटफॉर्म कौन से है और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आज की इस एपिसोड में फैजुल्ला भाई हमारे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम फैजुल्ला भाई की तरफ बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजुल्ला भाई कैसे? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन बहन भाइयों की तरफ से जिन्होंने आपकी ऐप को डाउनलोड किया और आज वो माशाल्लाह से बरस रहे, रोज़गार हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे बहन भाई बताते रहते हैं आपकी ऐप के हवाले से, उसके लिए जनाब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में और ये जो खिदमत खल्क है लोगों के लिए वो आप करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। सलामत रहें। मैं चाहता हूँ हम थोड़ा आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा अपने ऐप का इंट्रोडक्शन दें, किस तरह से कोई भी बहन भाई इसे ज्वाइन कर सकता है, कैसे वो आपका मतलब आपके जरिए ऐप का पार्ट बन सकता है और मिनिमम अगर कोई एक मुझ जैसा नकारा सा बंदा है कितने पैसे कमा सकता है और अगर एक अच्छा आप जैसा काबिल आदमी है वो इस पे प्रॉपर टाइम दे के कितने पैसे अर्न कर सकता है घर बैठे, चाहे वो हमारी कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई बुजुर्ग है। सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा बदर भाई कि ये पाकिस्तान का पहला ई कॉमर्स री सेलिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो कि यानी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कारोबार करने का मौका फ्राहम करता है। ठीक है। किस तरीके से, जैसा कि आप देख लें आजकल ऑनलाइन अगर आपने कारोबार करना है तो आप पहले मार्केट से जाएंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उससे पहले आप रिसर्च करेंगे, टाइम लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे, आपको मिलते हैं उनके वर्ड्स ढूंढेंगे कि यानी किस किन वर्ड से वो ऑनलाइन मिलते हैं वर्ड्स से प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके बाद मार्केट से आप प्रोडक्ट्स वो सोर्स करेंगे, ढूंढने जाएंगे, शायद आपको मिले ना वो प्रोडक्ट्स यहाँ से, ठीक है, आपको वो कराची से मिले, ठीक है, वो एक आपके पास चीज़ आ गए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स आपने ला के रख लिए, अब उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स वो बेचने के लिए अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा दिया, अब वहाँ पे ऑर्डर लोगों को पसंद ना आया या लोगों ने ऑर्डर ना किया तो वो प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री हो गई बाउंड, पैसे बाउंड हो गए आपके, वो प्रोडक्ट अब जब तक बिकेंगे नहीं ना तो आपको कभी भी वो नहीं यानी प्रॉफिट नहीं दे के जा सकते। अगर आप उसको लॉस पे भी बेचेंगे ना तो वो तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही वो कारोबार करने वाला सीन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रिया आपने इन चीज़ों को कर दिया सारा कुछ ख़त्म। जरिया ऐप क्या करता है, आपको मार्केट से प्रोडक्ट्स ला के देता है होलसेल रेट पे, ठीक है, आपको जरिया ऐप कहता है कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप इनके मालिक हैं वर्चुअली। अच्छा। करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स के आप वर्चुअली मालिक हैं। आपने क्या करना है, ये आपने इससे कारोबार करना, आपने ये प्रोडक्ट्स जो है आपने बेचने आगे, ठीक है, सिर्फ आपने बेचने हैं, आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, इंस्टाग्राम पे लगा दें, ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के वहाँ पे लगा दें, फेसबुक की रील्स पे उनके वीडियो लगा दें और वहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन के साथ ऐड करके प्राइस बताएं। तो जब वहाँ से आपको ऑर्डर आएगा आपने ज़रिया ऐप को बताना है प्रोडक्ट्स का कि नहीं यार ये मुझे ऑर्डर आया तो ये मेरे एड्रेस है मेरे कस्टमर का, तो आपने यहाँ पे डिलीवर कर देना। हम लोग क्या करेंगे, ज़रिया ऐप उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, उनसे पैसे रिसीव करेंगे सीओडी की मद में, अपने प्रोडक्ट की प्राइस काटेंगे और जो प्रॉफिट आपने ऊपर एक्स्ट्रा बताया होगा वो आपके अकाउंट में जैस कैश या जी पैसे के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा। और इसमें हमें बदर भाई कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स की जरूरत नहीं है कि होता है कि कारोबार करने में बैंक अकाउंट्स आपको चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म्स का आपको मैं नाम नहीं लूंगा, नाम पर नामी ग्रामी प्लेटफॉर्म्स हैं
और मैं मैंने भी खुद भी काम किया हुआ उन पे। ठीक है, उनके कमीशन्स बहुत ज़्यादा, बदर भाई बहुत ज़्यादा कमीशन्स हैं, आप बेच नहीं सकते वहाँ पे प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद अब वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट अगर कोई ब्रांड की बेचना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको लेटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा लंबी चौड़ी बैंक डिटेल, CNIC नंबर आपको देना पड़ता है। लेकिन ज़रा आपने सारी चीज़ें कर दी हैं ख़त्म, आपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन नंबर आपको चाहिए, एक मोबाइल चाहिए आपको, उस पर इंटरनेट पैकेज चाहिए और एक नंबर चाहिए। इन तीन चीज़ों से आप करोड़ों रुपये के जो प्रोडक्ट्स हैं ना बदर भाई, उनके आपके व्यूअर्स जो उनका मालिक बन सकते हैं वर्चुअली। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी, बेहतरीन प्लेटफॉर्म बता रहे हैं फैज़ुल्लाह भाई ये पेन है मार्केट से, ये पेन मुझे मिलता है 10 रुपए का, एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो कहीं ऐसा तो नहीं जरिया ये है कि जो आप लोगों की रीसेलर की टीम बनेगी या मौजूद है उसे 20 रुपए का तो नहीं देता? नहीं 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 बदर भाई, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मार्केट से रिटेल में जो 10 रुपए का मिल रहा है ना, ये हमारे से आपको 6-7 रुपए में मिलेगा, जो इसकी होलसेल प्राइस है। देखें जनाब, ये भी मतलब ज्यादा प्राइस वाला कोई चक्कर नहीं है। कितनी प्रोडक्ट है जरिया ऐप की इस वक्त? इस टाइम हमारे पास जो है 8,500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारी एप्लीकेशन पे, और ये तमाम प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स है जो हमारे वेयर हाउस में नीचे मौजूद हैं। ठीक है, और फिर कहना जो कि नहीं, कुछ इस तरह के लोग भी अब काम नया करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कि नहीं प्रोडक्ट्स उनके पास होते नहीं है, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पकड़ते हैं कहीं और पे लगा देते हैं। अब होता क्या है कि कस्टमर ने वो प्लेटफॉर्म पे, मैं बताता हूँ मैं, हाँ क्योंकि हमारा थोड़ा सा रिसर्च भी इन चीज़ों पे चल रहा था, काम बिल्कुल इंडस्ट्री पे हमारी चल रही होती है। अब कस्टमर ने आपको ऑर्डर भेज दिया, अब मैं फॉर एग्जांपल ABC एक प्लेटफॉर्म है जी, ठीक है, अब उसकी वेयर हाउसिंग नहीं है, प्रोडक्ट्स उसके पास नहीं है, प्रोडक्ट्स मार्केट से वो परचेज करेगा, वेयर हाउस लेके आएगा, फिर आपके कस्टमर को वो डिलीवर करेगा। ठीक है, अब मुझे एक कस्टमर है जैसा कि आपने मेरे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ABC का, अब आपको जो है एक ऑर्डर आ गया, आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं मुझे ऑर्डर है ये, मैं पंच कर दिया मैंने पंच, ये ऑर्डर ना मेरे कस्टमर को आप डिलीवर करें, मैं क्या करूँगा, मैं वेंडर को कॉन्टैक्ट करूँगा। अब वेंडर के ऊपर भी श्योरिटी नहीं है कि उसके पास स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर आपका ऑर्डर हो गया कैंसिल। लेकिन ज़रिया ऐप क्या करता है, ज़रिया ऐप आपको जो हमारी एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट्स मौजूद है ना, वो तमाम प्रोडक्ट्स नीचे वेयर हाउस में मौजूद है हमारे। अच्छा, तमाम में तमाम प्रोडक्ट्स वेयर हाउस का कितना रकबा है माशाल्लाह से भाई, वैसे तो देख ही चुके हैं बदर भाई। इस टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जोनसा था, हम लोगों ने दो कनाल भी नहीं, मैं बताऊंगा स्टार्ट हम लोगों ने 2 कमरों से किया था स्टार्ट जोनसा था। हमारे को फाउंडर्स ने 2 कमरों से स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जोनसा 4 कनाल का जो है ना ये वेयर हाउस इस टाइम मौजूद है, और इसको भी हम लोग एक्सपेंड करें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि प्रोडक्ट्स अब बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके सामने। आपने गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड देखा होगा कि 5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये है कि अब हम लोग और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं ताकि कस्टमर जो 5 लाख लोगों को आपने नौकरियां दे दी हैं घर बैठे। बिल्कुल यार, वेरी गुड यार, वैसे इसमें मेरा भी पार्टिसिपेट तो होगा ना? बिल्कुल, आपका मैं भाई आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स जो उनसे आप देख रहे होते हैं, लास्ट टाइम आप जो आए उसके बाद हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है रिसेलर्स अटैच हुए हैं हमारे साथ, वो हम लोगों को कमेंट्स करके बताते हैं कि हम लोग जमशेद बदर की हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसके थ्रू हम लोग आपकी एप्लीकेशन पे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चीज़ में जो है हमारी मदद कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि जिस चीज़ में मेरे बहन भाइयों का फ़ायदा छुपा है मैं वो ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आऊँ। अब कर लेते हैं सबसे अहम बात जी जी, पिछले एपिसोड जब हमने लॉन्च की तो उसमें बहुत सारे बहन भाइयों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बहन भाई हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने ऐप तो डाउनलोड कर ली, ये तो प्ले स्टोर से हो जाती है सारे बहन भाई जानते हैं, लेकिन उन्हें आगे अकाउंट कैसे बनाना है, इस पे ऑर्डर कैसे लेना है, ये मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी डिटेल से बहन भाइयों को बता दें ताकि उन्हें समझ आ जाए कि जरिया ऐप का जो ऑटो सिस्टम है किस तरह से काम करता है। अच्छा, करना सिर्फ ये बदर भाई कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने गूगल प्ले स्टोर से ज़रिया आपको डाउनलोड करना है, अगर आईफोन है तो उसके ऐप स्टोर से ज़रिया आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपने मोबाइल फ़ोन नंबर आपसे वो मांगेंगे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन नंबर अपना देंगे, ठीक है, उसके बाद एक OTP नंबर आएगा आपके पास मैसेज SMS के थ्रू, वो उसमें एंटर करेंगे, उसके बाद आप ज़रिया ऐप के रजिस्टर्ड एक पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है ज़रिया ऐप के आप रजिस्टर्ड एक रिसेलर बनने के बाद अब आप उसमें प्रोडक्ट्स देखेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज आपको बताया, पाकिस्तान के तमाम मेजर जो ब्रांड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, क्रॉस स्टिच हो गया, खाडी हो गया, लाइम लाइट, सफायर वगैरह, तमाम के तमाम ब्रांड। और फिर इसके अलावा जो सा है हमारे पास किचन एक्सेसरीज भी हैं, होम टूल्स भी हैं, गैजेट्स भी हैं, तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब वो प्रोडक्ट्स देखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स मैं इजीली बेच सकता हूँ। फॉर एग्जांपल
मैं अपनी बात करूँ तो मुझे है कि मैं गैजेट्स भेज सकता हूँ इजीली। मैं क्या करूँगा, उसकी इमेजेस जो सी हैं शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, रिलेटिव्स का ग्रुप होगा वहाँ पे। उसकी मुझे वो जो है डिस्क्रिप्शन वो भी प्रोडक्ट की मिलेगी साथ, वो भी आपको साथ मिलेगी। ये भी आपके ये नहीं इस तरीके से कि आप डिस्क्रिप्शन डालना चाह रहे हैं या नहीं डालना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आप खाली इमेजेस दिखा के प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है। आपने इमेज वहाँ पे शेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, मैंने आगे शेयर कर दिया मेरे से 1500 रुपये में बाय कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने कर दिया। उसके बाद फेसबुक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, बिलियंस में अगर स्टैट्स उसके देखें तो पाकिस्तान से तकरीबन कोई 4.7 जो मिलियन लोग हैं वो फेसबुक यूज़ हैं, एक्टिव यूजर्स हैं। तो वहाँ पे आप फेसबुक की मार्केट प्लेस है आपके पास बहुत बड़ी जो सी है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स यानी लोगों तक पहुँचते हैं, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ पे पेज बना के वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दें, इमेजेस लगा दें, पैसे वहाँ पे लोगों को बता दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग आजकल ईजी हो गया बहुत ज़्यादा वेबसाइट बनाना, कि यदि 5 मिनट में आजकल मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट में वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, प्लगइन्स लगाओ तो आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि लोगों ने अब जो वेबसाइट की कुछ ने बनाई है तो वो क्या करेंगे, वहाँ से प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे वेबसाइट वाले, ठीक है, उन्हें पता होगा कि यार ये गैजेट्स है, गैजेट की कैटेगरी मेरे पास है, मैं क्या वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट्स अपना प्रॉफिट ऐड करके वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट्स मैं वैसे अभी आपको शेयर करने का बता रहा हूँ, ये हर किसी पे डिपेंड करता है बदर भाई के, नहीं कोई कौन क्या कर सकता है, हाँ कौन कौन लैपटॉप बेच सकता है, कोई पेन बेच सकता है, कोई फोन बेच सकता है, कोई स्टेशनरी बेच सकता है, कपड़े बेच सकता है कोई, तो और लोगों के साथ ये भी डिपेंड करता है बदर भाई के, यानी कौन सा प्लेटफॉर्म वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फिर उसके अलावा जो सब यूट्यूब जो भी प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ पे प्रोडक्ट लोगों को दिखा दिया आपने, ठीक है, अब वहाँ पे किसी को कोई प्रोडक्ट आपका पसंद आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये बॉल पॉइंट है, वहाँ पे मैंने लिस्ट किया और वहाँ पे पसंद आ गया, अब मैं क्या करूँगा कि मैं वापस आऊँगा एप्लीकेशन पे, वो ये प्रोडक्ट ये निकालूंगा इसकी, ठीक है, वहाँ पे जो सा है सेल करे पे मैं यानी प्रेस करूंगा, सेल करे लिखा आ रहा होगा नीचे, ठीक है, वहाँ पे मैं नीचे जो सा कस्टमर को अगर डिलीवर करवाना उसके एड्रेस पे, ठीक है, वो एड्रेस दे दूंगा, हाँ वहाँ पे आप वो एड्रेस देंगे, यानी कस्टमर को डिलीवर करवाना तो ऊपर आपको स्मॉल सा ना बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप करेंगे तो कस्टमर का एड्रेस वहाँ पे आप डालेंगे, उसमें आपका यानी प्रॉफिट भी ऐड होगा। अगर आप अपने पास मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मैं यहाँ से आगे किसी को डिलीवर कर दूँ, तो वो फिर आप सिंपल से उसमें डिटेल्स डालेंगे। अच्छा, कस्टमर को आपने किया, अब नीचे प्रॉफिट वाली आपका प्रॉफिट आ गया, अब फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपये के प्रोडक्ट लगा हुआ है वहाँ पे, अब मैं प्रॉफिट में वहाँ पे ऐड कर देता हूँ 500 रुपीज़, अब वो टोटल जो सा बन के मेरे पास 1500 रुपीज़ आ जाएगा, और साथ में क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, 1 जार पीस 2 जार है, ठीक है, वो क्वांटिटी ऐड करने के बाद वो प्रोडक्ट मेरी हो जाएगी ऐड टू कार्ट में, ठीक है, कार्ट में प्रोडक्ट चलेगी मेरी, उसके बाद फाइनल मुझे वहाँ पे फिर मुझे सेल करेंगे पे वो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, अब वहाँ पे जो है मुझे कस्टमर की डिटेल्स नाम डालना पड़ेगा कस्टमर का, ठीक है, कस्टमर का नाम, फिर उसके अलावा जो सा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है, और एक और चीज़ लोग हमारे पाकिस्तान में, एक और चीज़ बदर भाई एड्रेस के ऊपर बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को एड्रेस लिखना नहीं आता, ठीक है, लोगों को मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि एड्रेस जो है ना हमेशा आप अगर ई कॉमर्स अगर आप चाहते हैं ना लोग के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको जो सा है फेवर्स दें यानी डिस्काउंट ज़्यादा ज़्यादा है, बिल्कुल, तो उनको भी थोड़ा सा आपको लोगों को व्यूवर्स को कहना चाहूँगा उनको भी थोड़ी सी आप फेवर दें इस तरह से कि जब आप एड्रेस डाल रहे हो अपना प्रॉपर एक हाउस नंबर दें, ठीक है, स्ट्रीट नंबर दें, ठीक है, स्ट्रीट नंबर अगर कॉलोनी है कॉलोनी दें, अगर रोड है नियर बाय रोड वो दें, और सिटी अपार्टमेंट्स हैं अपार्टमेंट्स, बिल्कुल, यानी डीप जो एड्रेस है ना आपका वो आपने देना है, क्योंकि इस तरह होता है ये जो कि पोस्टल एड्रेस आपको होता है एग्जैक्टली वो दे ताकि आपकी जो शिपमेंट है या आपका जो ऑर्डर है प्रॉपर आप तक, बिल्कुल, और इस तरीके से होना चाहिए कि राइडर को आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि राइडर यानी कभी कभार ऐसा होता है कभी कभार आप आगे पीछे होते हैं मोबाइल फोन नहीं हो रहा राइडर अटेम्प्ट करता है तो वो ऑर्डर हो जाता है कैंसिल, वो फिर जो प्लेटफॉर्म है उनको पैसे वो बेयर करने पड़ते हैं, वो लॉस में आ जाते हैं, वो फिर वो आपसे ही रिकवर करते हैं, तो ये चीज मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि एड्रेस हमेशा जो है ना प्रॉपर लिखें, एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा, वो ऑर्डर आपका बन जाएगा, ठीक है, उसके साथ ऑर्डर के साथ आपको एक मिलेंगे 10 ZP जरिया पॉइंट्स, 10 जरिया पॉइंट्स। ये भी बताएं कि अगर आपका जितने भी इस वक्त टॉप सेलर हैं आपके कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा
ऑर्डर नंबर एक जनरेट हो गया आपका, ठीक है। अब जब जरिया ऐप अब जो है वो आपका प्रोडक्ट जो सा कस्टमर को डिलीवर करेगा, ठीक है, कस्टमर को डिलीवर करने के बाद उनसे 1500 रुपीज जो आपने हमें बताया प्रॉफिट ऐड करके कि ये मेरे कस्टमर से आपने लेने, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसमें से 1000 रुपीज अपना प्रोडक्ट के प्राइस काटेंगे और 500 रुपीज जो सा आपके अकाउंट में जो सा ना वो जैस कैश या जीपैसे के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हफ्ते में दो बार पेमेंट्स होती है, ट्यूजडे वाले दिन शाम को 6-7 बजे प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, उसके अलावा जो सा फ्राइडे वाले दिन हम लोग जो है प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं 6-7 बजे के बाद। तो इस तरीके से है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ लगती तो आप जरिया ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो आपके कॉर्नर पे राइट साइड पे ना नीचे वहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ पे आप टैप करेंगे ना वहाँ पे आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, जरिया आपकी कम्युनिटी के पेजेस के लिंक भी मिल जाएंगे, तो वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट होगा, ठीक है। आपके टॉप सेलर इस वक्त किस किस सिटीज में बैठे हैं और कितना कितना अर्न कर रहे हैं? मतलब भाई इसमें ये है कि बात वही आ जाती है कि अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे कुछ रीसेलर्स हैं कराची में, कुछ हैं, एक खातून है, ठीक है, जो कि महाना उनसे 4-5 लाख रुपये कमा रही हैं। क्यों, उसकी रीज़न मैं बता दूँ, 4-5 लाख की उनका एक तो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और वो कपड़े सेल आउट करती हैं, कपड़ों पे आपको ज़्यादा कमीशन मार्जिन मिल जाता है, तो इस वजह से जौन सा है वो इजीली जौन सा ना वो कपड़े बेच के तो 4-5 लाख रुपये जौन सा वो हम यानी महीने का कमा लेती हैं। और मुझ जैसे निकम्मे बंदे कितना कमाते हैं? आप जैसे तो स्टार्टिंग में आई थिंक मेरे ख्याल से निकम्मे तो नहीं आपको कहूँगा मदर भाई, स्टार्ट में जौन सा आप तकरीबन जौन सा मेरे ख्याल से मैंने जब स्टार्ट किया था जब मैं आया था मैंने भी वैसे स्टार्ट किया था क्योंकि मैं यानी आपको मैंने बताया ना रिसर्च करता रहता हूँ प्लेटफॉर्म से, तो अराउंड मैंने कोई 6-5,000 रुपीज़ फर्स्ट इनकम मेरी हुई थी जनरेट। उसमें ये था कि स्टार्टिंग में आपको इतना होता है, उसके बाद आपका जब नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है ना, मोबाइल नंबर आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, डेटाबेस आपका बन रहा होता है, तो वो फिर लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा फैजुल्ला भाई ये बताएं कि डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं, अगर मैंने एक शिपमेंट मंगवाई है मुझे कितने डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे? बदर भाई डिलीवरी चार्जेस हमारे जो सा ऑल ओवर द पाकिस्तान जो सा सिर्फ 200 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में अभी तक जो कोई भी प्लेटफॉर्म है इतने पैसों में डिलीवरी नहीं कर रहा होगा जो करंटली हालात चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जरिया ऐप जो सा आपको 200 रुपये में प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं। उसमें भी एक और चीज़ बताता हूँ आपको, 200 रुपये में उसमें ये प्रोडक्ट आपका जा रहा है, ये प्रोडक्ट जा रहा है, और ये तीसरा प्रोडक्ट, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो मेरे पास पेन कम हो गए हैं, तो ये जितने मर्जी प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्डर पर 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस लेने हैं, ठीक है, वो चाहे 10 मेरे पास आइटम्स हो, बिल्कुल 10 आइटम्स हो हमने सिर्फ 200 रुपये लेने, वेट का कोई मसला नहीं है इस पर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि 100-200 रुपये 200-300 रुपये के प्रोडक्ट्स होते हैं और उसमें 200 रुपये आप डिलीवरी चार्ज देना बहुत वो नाइंसाफी वाली बात है, तो उस पर हम लोग 100 रुपये सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेते हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस तरह कम वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो एक हमारी अलग कैटेगरी चल रही है लो शिपमेंट वाली, तो उसके ऊपर 100 और 200 वाली ये दो हमारे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ अभी मैंने जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था ZP जरिया पॉइंट्स का, कोई अगर ऑर्डर कंफर्म करने के बाद 10 जरिया पॉइंट्स वो कलेक्ट करता है, अगर कलेक्ट करते करते उसके पास 50 ZP हो जाते हैं तो वो 100 रुपये वाली अवेल कर सकता है डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर 70 जरिया पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो 200 वाली जो डिलीवरी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हो जाएगी, 200 रुपीज ऑफ हो जाएंगे सर। अच्छा ये प्रोमो कोड का क्या चक्कर है? हाँ प्रोमो कोड ऐसा आपने याद करवाया है जमशेद भाई, आपके आपके लिए खास तौर पे आपके चैनल के व्यूवर्स के लिए हम लोगों ने जमशेद 200 के नाम से एक प्रोमो कोड जारी किया है, ठीक है। उससे ये है कि आपका कोई भी व्यूवर जो है जरा आपको डाउनलोड करेगा, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस करेगा ना, उसने क्या करना है जब वो एड टू कार्ट में डिटेल्स डाल रहा होगा नाम, ठीक है, डैश जमशेद 200 लिख देगा, ठीक है, उससे वो उसको 200 रुपीज जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे। होई होई बिल्कुल होई होई। और कुछ बड़ी ऑफर मिल गई जनाब आपको, बिल्कुल, तो 200 रुपीज ऑफ हो जाएंगे तो वो यानी इजीली जो है ना उसको भी गेन कर सकते हैं प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिट कमा के वो उसको यूज कर सकते हैं। बहन भाइयों को कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे जरिया ऐप के हवाले से? जरिया ऐप के हवाले से भी और मतलब भाई मैं एक और चीज लोगों को कहना चाहूंगा कि जो हालात इस टाइम चल रहे हैं मुल्की हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप टेंशन में आए सोचें कि यार क्या करूँ, तो मेरे ख्याल से आप जो मसले का हल है ना उसकी तरफ इंसान को हमेशा फोकस करना चाहिए, हालांकि ये नहीं कि मसले को पकड़ के बैठ जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी के पास नौकरी नहीं है,
पहली तो बात यह कि जो अब कहता है ना नौकरी नहीं है उसको अब मैं कहूंगा कि भाई ये वो वैसे फारिग आदमी है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अब ये भी अपॉर्चुनिटी अगर उसने मिस कर दी तो मेरे ख्याल में वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उनको चाहिए कि ये नहीं जरा आप आपको एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दे दिया, घर बैठे हुए आप इसके ऊपर काम करें, बाहर जाने की नहीं आपको जरूरत, ठीक है, घर पर बैठे। सबसे बड़ी एक चीज़ बदर भाई आपको बताऊँ, फैमिली आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि आप रिस्क हलाल कमाते हैं उनके लिए, ठीक है, तो आप उनका भी कुछ हक बनता है कि वो आपके साथ टाइम गुजारें, वक्त गुजारें, ठीक है। तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि घर बैठ के बजाय इसके कि आप पार्ट टाइम जॉब्स करें, जाके कहीं पे यानी गाड़ियाँ टैक्सी चलाएं, कहीं पे पार्ट टाइम, कहीं पे नौकरी है तो मुशक्कत ही मुशक्कत है, बिल्कुल। तो आप इसके बजाय घर पर बैठ के मोबाइल फोन के थ्रू अपने बॉस खुद बने, बॉस खुद बने। आप फेसबुक भी यूज कर रहे हैं ना, आप बैठे वहाँ पे, घर बैठे फ्री में, वहाँ पे पोस्ट लगा देंगे, यार ये अब वैसे जरिया आप खोल लें, जरिया आपको खोल के यार ये वाला प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ, मैं बेचता हूँ, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट के साथ बेचें। अब मैं भाई आपको बता रहा हूँ बदर भाई, हमारे जो उनसे ना कुछ मेरे जानने वालों में स्टूडेंट्स हैं, चूँकि महाना अच्छा एक साल में एक बच्चा स्टूडेंट है, उसने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, उसने 10 लाख रुपये कमाए, साथ साथ वो पढ़ रहा, साथ साथ उसने पॉकेट मनी निकाल लिए, और एवरेज आप लगा लेंगे कितना कि वो एक सैलरीड पर्सन जो है ना उससे 85,000 पर मंथ मंद है। तो आप अंदाजा लगाएंगे 10 लाख रुपए का ना उसने प्रॉफिट, उसने मुझे अपने स्क्रीनशॉट बकायदा उसने, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कैसे कर सकते हो, उसने कहा कि फैजला भाई ये देखें मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं, उसने मुझे बकायदा अपना डैशबोर्ड दिखाया वेबसाइट का कि ये मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, और प्रोडक्ट्स भी कहाँ से, जरा ऐप के थ्रू, जबरदस्त माशाल्लाह। तो इस तरीके से है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा एक बार जरा आपको डाउनलोड करें और ऑर्डर जो उनसे आप जो है करें वहाँ से प्रोडक्ट्स, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे लगा दें, एक ना एक ऑर्डर तो आएगा ना, जब एक दफ़ा बिल्कुल एक ऑर्डर अगर आपको आ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपकी एक चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब जिसने ऑर्डर किया है वो आपको 10 और बंदे रेफर करेगा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स उनसे। और एक और मज़े की बात होता है, ये प्रोडक्ट्स मैं गारंटी कह सकता हूँ ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलेंगे जो ज़रिया ऐप पर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये भी एक प्लस पॉइंट है जनाब आप बहन भाइयों के लिए कि ज़रिया ऐप की जो प्रोडक्ट हैं आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होंगी मार्केट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्ला भाई वक्त देने के लिए, अल्लाह पाक थैंक यू सो मच बरकत दे, और इसी तरह आप बहन भाइयों की खिदमत करते रहें। ये थी जनाब आज की एपिसोड, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशरम रखें, शाद रहें, आबाद रहें, और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियों से मिटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।